शादी के बाद मालामाल हुए क्रिकेट ऋतुराज गायकवाड़, धोनी ने दिया सबसे महंगा गिफ्ट, विराट कोहली भी देखते रह गए। ऋतुराज गायकवाड़ की शादी में कौन कौन पहुंचा, कितने रुपए दहेज में मिले, शादी के बाद गायकवाड़ ने बना दिया कौन सा रिकॉर्ड, सब कुछ बताएंगे। कौन है ऋतुराज गायकवाड़ की हमसफर उत्कर्षा पवार, जो खूबसूरती में आलिया भट्ट और कियारा को भी कर देती है फेल, किसने कहा लकी है गायकवाड़। भारतीय टीम का एक और बल्लेबाज खूबसूरती की पिच पर बोल्ड हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स की आंखों के तारे और भारतीय टीम के उभरते हुए सितारे ऋतुराज गायकवाड़ ने शादी कर ली। गायकवाड़ शायद पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी पत्नी भी क्रिकेट खेलती हैं। दोनों का प्यार लंबे वक्त से परवान चढ़ रहा था, लेकिन अब उस प्यार को गायकवाड़ ने शादी का नाम दे दिया है। गायकवाड़ को शादी की कितनी जल्दी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनका नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टीम में शामिल किया गया था। वो स्टैंड बाई के तौर पर ओपनर थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन क्या आपको पता है शादी में गायकवाड़ को इतने ज्यादा महंगे गिफ्ट मिले हैं, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गायकवाड़ को कई क्रिकेटर्स ने महंगे तोहफे दिए हैं, लेकिन सबसे पहला नाम महेंद्र सिंह धोनी का सामने आ रहा है। गायकवाड़ की शादी में कौन कौन पहुंचा और कितना उन्हें दहेज मिला, सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उनकी पत्नी उत्कर्षा पवार के बारे में जान लीजिए। ऋतुराज गायकवाड़ ने शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया यूजर्स उनकी पत्नी उत्कर्षा पवार की तारीफ करते नहीं थक रहे। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें उत्कर्षा पवार बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइंस को अच्छी खासी टक्कर देती दिखाई दे रही हैं। खूबसूरती ऐसी जिससे किसी की नजर ही ना हटे। आपको बता दी कि ऋतुराज गायकवाड़ की पत्नी भी जबरदस्त क्रिकेटर हैं। उत्कर्षा पवार महाराष्ट्र की तरफ से क्रिकेट खेलती हैं। वो दाएं हाथ की ऑलराउंडर हैं। उत्कर्षा बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही माहिर हैं। इतना ही नहीं, उत्कर्षा का ध्यान अभी भी पढ़ाई पर है और वो फिलहाल फिटनेस साइंस की पढ़ाई कर रही हैं। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जिसके बाद गायकवाड़ ने शादी करने का फैसला लिया। याद हो कि आईपीएल का यह सीजन ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत ही शानदार रहा है। फाइनल मुकाबले में गायकवाड़ की तेज शुरुआत की बदौलत ही चेन्नई सुपर किंग्स को जीत मिली थी। इस जीत के बाद गायकवाड़ से धोनी इतने ज्यादा खुश हुए थे कि उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ की पत्नी उत्कर्षा से भी मुलाकात की थी। तब उत्कर्षा ने धोनी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसलिए धोनी ने दोनों को शादी के बाद आशीर्वाद दिया और साथ में महंगा गिफ्ट भी दिया। हालांकि खबरों की माने तो गायकवाड़ की शादी में भारतीय टीम का कोई भी सदस्य नहीं पहुंच पाया, लेकिन दूर से ही सही सभी ने गायकवाड़ की शादी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। गायकवाड़ भले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलने के लिए नहीं गए हों, लेकिन उन्होंने जबरदस्त रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो रिकॉर्ड भी शादी से ही जुड़ा है। दरअसल इस साल भारतीय क्रिकेट टीम के कुल 5 क्रिकेटर्स ने शादी की, जिनमें अब गायकवाड़ का भी नाम शामिल हो गया है। इससे पहले शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और केएल राहुल ने भी शादी की थी। अब देखना होगा शादी के बाद की पारी ऋतुराज गायकवाड़ कैसी खेल पाते हैं। वैसे उन्होंने अब तक आईपीएल और T20 क्रिकेट में अपना झंडा गाड़ने का काम किया है। खासकर 2023 का आईपीएल गायकवाड़ के लिए बेहतरीन रहा है। 16 मैच की 15 पारियों में 42 के औसत से 147 के स्ट्राइक रेट से 590 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 46 चौके और 30 छक्के भी निकले। उन्होंने सीजन में 4 अर्धशतक भी लगाए हैं और उनकी सबसे बड़ी पारी 92 रनों की थी। यही वजह है कि उनका नाम टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल किया गया था, लेकिन शादी की वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब देखना होगा कि शादी के बाद क्रिकेट की पिच पर आगे गायकवाड़ कितना धमाल मचा पाएंगे। रही बात गायकवाड़ की दहेज लेने की, तो आपको बता दें कि शादी में उन्होंने एक पैसे का भी दहेज नहीं लिया है। गायकवाड़ उत्कर्षा की जोड़ी आपको कैसी लगी, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।